हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विथ वन मोर वीडियो। दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ऑल द कार्स, जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है, यहाँ से आगे आगे बाहर भी जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इन सब को कवर करूँगा एक वीडियो में। पहले मैं पंच से शुरू करता हूँ। सबसे हॉट आज के डेट में है वो पंच, और उसके बाद जो है मेरे पास स्विफ्ट 4 इंजेक्टर है, 8 इंजेक्टर है, करीबन 4-5 स्विफ्ट है। तो स्विफ्ट के भी मैं क्वालिटी दिखाऊंगा। पहले पंच से शुरू करता हूं। सुपर टाटा पंच, द किट विच वी हैव इंस्टॉल्ड इज मोटोजेन BA6। देखो पंच के लिए तो कुछ बोलना, मतलब इट इज़ ज़बरदस्त, मतलब गाड़ी A1 है। इस रेंज के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर ऐसी गाड़ी नहीं है। कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ आएगा, लड़के काम कर रहे हैं। जस्ट सी द क्वालिटी, सुपर। दिस इज टाटा पंच। इसमें जो किट लगाया हमने, मोटोजेन BA6 लगाया। ये आपका डबल स्टेज रिड्यूसर है। पीछे से जो भी गैस आता है हाई प्रेशर में आता है, और यहाँ रिड्यूस होके जितनी ज़रूरत है, जो इसको ECM से कमांड मिलता है उसी हिसाब से ये रिलीज़ होता है। अब ये देखो, यहाँ से आपकी गैस निकल रहा है, और ये आपका मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर है। ये इंजन का एयर मास फ्लो रेशियो लेके आपके ECM को सिग्नल देता है, और उसी हिसाब से गैस रिलीज़ होता है। एयर और गैस की प्रॉपर मिक्सिंग का जरिया ये है। इसके आगे निकलेंगे तो ये फिल्टर है, यहाँ से सारी इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर होके फिर आगे चलेंगे, इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पम्प हो रहा है, मतलब प्योर गैस गोइंग टू योर इंजन। अब यहाँ से आगे निकलेंगे, देखो ये सारा कंट्रोल जो है ना इसका, यहाँ से आपके ECM से। टाटा के अंदर जो मोटोजेन का किट पास हुआ है, 32 पिन का ECM पास है, मेड इन इटली। अब एक्स्ट्रा ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल हो रहा है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है। यहाँ फिलिंग वाल्व लगाने का रीज़न क्या है, ये पार्ट जो है मल्टीपल टाइम यूज़ होता है, और यहाँ आराम से फिलिंग वाल्व जो है, जो पंप का जो इंस्ट्रूमेंट है, आराम से लग सकता है, सॉलिड फिटिंग। अब एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ लगाया हूँ मैं वो दिखाता हूँ। ये तो किट का मैंने दिखा दिया। किट के अंदर जो है ये डायनेमिक एडवांसर नहीं आता है, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट से आता है। ये डायनेमिक एडवांसर लगाने का मेन कारण है पंच को कामयाब करना। बहुत गाड़ियों में आप देखेंगे एक नॉर्मल एडवांसर पंच में लटका हुआ, लेकिन उस एडवांसर में गाड़ी चलाने का वो प्लेजर नहीं है जो प्लेजर इसके अंदर है। मतलब विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इन द क्वालिटी एंड रनिंग आप पैसे सेव करेंगे। दूसरा जो मैंने इसके अंदर जो काम किया है मैंने, आप ये देखो, इसके अंदर आपका वायरिंग जो है, इसके इंजेक्टर्स के कोई भी वायर कट नहीं है, सारा एक सॉकेट टू सॉकेट, कपलर टू कपलर। ये ब्रांड न्यू कार है, ये Phase 2 की गाड़ी है, ये ब्रांड न्यू। तीसरा जो मैंने काम किया, कूलेंट कनेक्शन किया। देखो यहाँ से दो वायर ब्रेडेड पाइप जा रहा है, 1 और 2। ये वायर ब्रेडेड पाइप जो है प्रॉपर यहाँ फिक्स्ड है। अब इससे क्या है कि एक तो टेम्परेचर सेंसर मैंने वहीं लगाया, देखो यहाँ से जा रहा है पाइप, ये दोनों पाइप, और ये पाइप जो है ये यहाँ से, और ये पाइप जो है रिड्यूसर में आ रहा है। अब इसको लगाने का फ़ायदा क्या है, एक तो फ़ायदा ये है कि इसका जो टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर वहीं लगा है जहाँ पे रिड्यूसर, ये देखो ये ब्रास का देख रहे हैं आप, ब्रास का ये, हाँ ये टेम्परेचर। अगर मैं कूलेंट कनेक्शन नहीं करता तो ये टेम्परेचर सेंसर उठा के मेरे को रेडिएटर के हीटर पाइप में डालना पड़ता। और दूसरा, कभी भी ये फ्रीज नहीं होगा, प्रॉपर फिक्स्ड है, और आउटपुट सही आएगा। एक गैस का फिल्टर लगाया ताकि सारी फिल्टर होके जाए, और वायरिंग का क्वालिटी देखो आप, आपकी जो वायरिंग है आपका ECM से और डायनेमिक एडवांसर से, ये सारा एक स्पाइरल ट्यूब में जा रहा है प्रॉपर, ताकि कभी भी गाड़ी के हीट से वायर को कभी कुछ हो ना। सुपर फिटिंग डन इन टाटा पंच। सी द क्लीनलीनेस इन द फिटिंग, प्रॉपर क्या फिटिंग हो रखा है, इससे ज़्यादा सफाई लगेगा जैसे टाटा ने खुद लगा के दिया, इससे ज़्यादा सफाई आप सोच नहीं सकते, सुपर फिटिंग। अब दूसरी गाड़ी में आते हैं, देखो सब तरह का क्वालिटी का काम करते हैं। इस गाड़ी के अंदर जो है ये UK नंबर है, दिस इज़ कमिंग ऑल द वे फ्रॉम उत्तराखंड, ये वहाँ से गाड़ी आई है। और इसमें जो मैंने किट लगाया, आज से 4 महीने पहले मैंने क्रेटा में किट लगाया था,
और वो क्रेटा में BS4 किट लगाया था और उस क्रेटा में जो है अप्रूव नहीं हुआ क्योंकि वो BS4 किट था। अभी दो दिन पहले मैंने एक क्रेटा लगाई थी और उसकी किट उतार के इसमें लगाया हूँ मैं। इनको RC पे नहीं चढ़वाना, इनको किट चाहिए था सस्ती और ये किट पूरी किट 4 महीने पुरानी किट है, लकली मिल गया और ये पूरी किट मैं 15,000 में लगा के दिया हूँ। जस्ट सी द क्वालिटी, ये किट इसके अंदर जो है मीज़ो का किट है, 48 पिन का ECM है, ये इसका रिड्यूसर है, ब्रांड न्यू है। आपको मैं डेट दिखाऊंगा, मैं आप ये डेट देखो इसके अंदर, देखो ये मीटर में डेट देखो आप, इसमें मीटर में 12 दिसंबर 2022 है। ये देखो ये है दिसंबर, सॉरी मैंने 2022 की ये जो है किट है और ये लगाया था मैंने जनवरी में क्रेटा में। और आज जो है आपका जो है कुल मिला के 5-6 महीने की चली हुई किट है। और ये इसका इंजेक्टर है, सारा किट मीज़ो का है, ये इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है। चलो इसको मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, अब आते हैं एक और स्विफ्ट है। इसमें जो किट लगाया हमने लवेटो स्मार्ट 2, ये लवेटो स्मार्ट 2 का ECM है और ये आपका जो है 8 इंजेक्टर डिवाइस है। ये जो स्विफ्ट है दिस इज़ 8 इंजेक्टर, ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिलिंग हो रही है और ये आपका सिंगल स्टेज रिड्यूसर है। इसके साथ में लवेटो के किट में फिल्टर आता ही है और ये पीछे जो है आपका इंजेक्टर लगा हुआ है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है, ये आपका इंजेक्टर है। लवेटो इज़ द किट विच इज़ कम्प्लीटली इम्पोर्टेड और बहुत लोग चॉइस से लेते हैं लवेटो। देखो इसके अंदर मैंने अभी ये सेटिंग करना है इसलिए फिक्स नहीं किया, इसके अंदर एक्स्ट्रा जो है मैंने स्टैटिक एडवांसर लगाया, नो नीड ऑफ डायनेमिक एडवांसर इन मारुति व्हीकल। इसके अंदर ये किट में नहीं आता, 8 इंजेक्टर डिवाइस ये लगाया मैंने। इसके अंदर आपके तीनों डिवाइस से, ECM से, 8 इंजेक्टर डिवाइस से और एडवांसर से, ये सारा एक स्पाइरल ट्यूब में जा रहा है प्रॉपर स्लीव। नीचे वाला वायर देखेंगे ये आपका गाड़ी का है और ऊपर वाला ये हमारा है। आप सोच नहीं सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे मारुति ने ये काम करके दिया, सेम लाइक कंपनी फिटेड, सुपर फिटिंग डन। इसके अंदर जो है कपलर टू कपलर हो नहीं सकता क्योंकि ये आपका 8 इंजेक्टर है। जिस गाड़ी में 4 इंजेक्टर होगा उसमें कपलर टू कपलर हो सकता है और 8 इंजेक्टर की गाड़ियों में कपलर टू कपलर नहीं हो सकता। इसके अंदर जो है हमने कूलेन कनेक्शन किया, दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये आपके 2 पाइप आपके रिड्यूसर में जा रहा है और इसका जो टेम्परेचर सेंसर है वहीं लगा हुआ है जहाँ पे रिड्यूसर ये ब्रास का दिख रहा है, ये टेम्परेचर सेंसर वहीं लगा हुआ है। प्रॉपर फिटिंग डन, लवेटो स्मार्ट 2 इन स्विफ्ट 8 इंजेक्टर, सुपर। इसका बूट दिखाता हूँ मैं आपको, एक बार इन द मीन टाइम मैं पंच का बूट दिखा दूँ, मैं ऐसे ही चलते रहेंगे। ये पंच है, पंच का बूट देखो आप, मन खुश हो जाएगा। सीधा स्पेस, पूरा स्पेस मिला हुआ है, आप यहाँ सामान रखो, इसके अंदर सामान रखो, इसके ऊपर सामान रखो। ये आपका जो है रबर ग्रिप मोल्डेड पाइप स्टैंड है, सीधा क्वालिटी ऑफ द स्टैंड, रबर ग्रिप लगा हुआ है। और ये आपका जो है TVS नाइलो लॉक नट बोल्ट, डक्टिंग एक बार लीकेज चेक करके फिट करूँगा मैं, क्लैंप लगा हुआ है, बस आगे लीकेज चेक करके क्लैंप आगे फिट हो जाएगा। सुपर फिटिंग डन इन पंच। अब आते हैं, ये 8 इंजेक्टर स्विफ्ट है, इसका मैं आपको जो है बूट दिखाता हूँ। दिस इज़ 8 इंजेक्टर स्विफ्ट, देखो इसके अंदर काफ़ी स्पेस निकल कर आया है। 12 kg का सिलेंडर है, रबर ग्रिप मोल्डेड पाइप स्टैंड, बोल्टेड विथ TVS नाइलो लॉक नट बोल्ट एंड डक्टिंग डन एंड सी द स्पेस, पूरा स्पेस मिला हुआ है पूरा। डक्टिंग एक बार फिट करूँगा, एक बार लीकेज चेक होने के बाद। एस्प्रेसो, बहुत पूछते हैं कि एस्प्रेसो का वीडियो डालो, लो आज डालता हूँ इसको। ठीक है, हर एक गाड़ी तो कवर नहीं कर पाता हूँ, एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी गाड़ी का जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं
एक बार देखो, इसमें जो किट पास है दिस इज़ मोटो ज़ेन BA6, इसके अंदर 48 पिन का ECM पास है और ये आपका डबल स्टेज रिड्यूसर है। ये साथ में मैंने फिल्टर लगाया, वो बाद में बताता हूँ। इसके अंदर जो किट में आता है ECM है, रिड्यूसर है, ये मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर आता है और ये इंजेक्टर है और ये फिलिंग वाल्व है। अब मैं क्वालिटी दिखाता हूँ, इस किट के अलावा मैंने क्या क्या लगाया। अब इस पर सबसे पहले चलते हैं। बीइंग अ मारुति कार, मैंने इसके अंदर जो है मोटो ज़ेन का स्टैटिक एडवांसर लगाया है, नो नीड ऑफ डायनेमिक एडवांसर। दूसरा, मैंने लवेटो का गैस का फिल्टर लगाया, ठीक है। तीसरा, मैंने इसके अंदर जो है आपकी कूलेंट कनेक्शन किया है मैंने। ये सब डब्बे में नहीं आता, मैं बार बार दिखाता हूँ। चौथा, जो मैंने इसके अंदर जो काम किया है मैंने, ये देखो आप, इसके अंदर कोई वायर कट नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये 3 सिलेंडर है, ये इसके अंदर ये आपका कपलर टू कपलर वायरिंग है, ये सारा कपलर टू कपलर वायरिंग है, ठीक है। चौथा जो, पांचवा जो मैंने इसके अंदर काम किया, आपके एडवांसर से और ECM से जो भी वायरिंग जा रहा है ये सारा एक स्पायरल ट्यूब में जा रहा है। प्रॉपर स्लीव, सुपर वर्कमैनशिप डन, सॉलिड। एक बार देखो, क्वालिटी देखो एक बार, आप ECM से दिखाइए। ये 48 पिन का ECM है, साथ में ये रिड्यूसर है, ये आपका एडवांसर है, ये आपका वायरिंग है और ये आपका फिलिंग वाल्व है जहाँ से गैस फिल हो रहा है। इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा जो है मैंने फिल्टर लगाया, मैंने इसके अंदर कपलर टू कपलर वायरिंग किया, इसके अंदर मैंने कूलेंट कनेक्शन किया, इसके अंदर सारी वायरिंग स्पायरल ट्यूब में दिया और इसके अंदर मैंने स्टैटिक एडवांसर लगाया। ये सब डब्बे में नहीं आता है। दिस इज़ मारुति एस्प्रेसो, छोटी गाड़ी के अंदर ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत A1 गाड़ी चलेगी, मज़ा आएगा। अब चलते हैं, इसका बूट दिखाता हूँ मैं। दिस इज मारुति एस्प्रेसो। जो सिलेंडर है इसके अंदर जो पास है सिलेंडर, ये आपका जो है 9 किलो का सिलेंडर पास है और स्टेपनी इसमें खड़ी रखनी पड़ेगी। इसमें जो सामान रख पाएंगे वो आप इसके ऊपर रख पाएंगे, छोटी गाड़ी के कारण इसमें ज़्यादा जगह नहीं निकलता बूट में। अब आते हैं अनदर स्विफ्ट, दिस इज़ ऑल्सो 8 इंजेक्टर। इससे पहले वाले स्विफ्ट में मैंने आपको दिखाया था लवेटो स्मार्ट 2, इसमें है मीजो प्रीमियम BA6। इसमें जो आपका ECM पास है, दिस इज़ 48 पिन ECM मेड इन इटली। आप इसके पीछे दिखाइए, यहाँ लिखा हुआ है मेड इन इटली। AB का ECM बहुत बढ़िया ECM है। और दूसरा जो इसके अंदर जो मीजो प्रीमियम BA6 में आपका जो है डबल स्टेज रिड्यूसर है और ये आपका फिलिंग वाल्व है जहाँ से गैस फिल हो रही है और पीछे आपका इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है। दिस इज़ द इंजेक्टर। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा जो मैंने काम किया मैं बताता हूँ मैं। एक तो मैंने अभी ये एडवांसर फिक्स करूँगा, इसको मैनुअली सेट करना होता है, फिक्स करूँगा सेटिंग के बाद। ये एडवांसर लगाया मैंने, नो नीड ऑफ डायनेमिक एडवांसर। दूसरा, मैंने 8 इंजेक्टर टेक्नोलॉजी, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये केवल 8 इंजेक्टर कार में लगता है। तीसरा जो मैंने इसके अंदर काम किया है मैंने, एक फ़िल्टर लगाया मैंने लवेटो का, ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर होके जाए। चौथा जो मैंने इसके अंदर काम किया, कूलेंट कनेक्शन किया मैंने, ये आपके रिड्यूसर पे ये 2 पाइप जा रहा है। इससे ये बेनिफिट है कि खासकर सर्दियों में किट कभी ठंडी नहीं होगी, गैस कभी जमेगा नहीं। और ये देखो, ये लगने के बाद ये टेम्परेचर सेंसर आप यहाँ लगा सकते हैं, और नहीं तो टेम्परेचर सेंसर को उठा के वो हीटर पाइप में लगाना पड़ेगा, या कहीं यहाँ लगा दो या हीटर पाइप, ये तो ज़्यादा गर्म होता नहीं है हीटर पाइप पे, ठीक है। अब इसमें भी जितने भी वायरिंग हमने दिया है सारा एक स्पायरल ट्यूब में दिया है, जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ द वायरिंग, ऑल डन इन स्पायरल ट्यूब, प्रॉपर स्लीव्ड, ताकि कभी भी गाड़ी के हीट से वायर कभी आपस में चिपके नहीं, कभी शॉर्ट सर्किट के चांसेस ना हो। सुपर क्वालिटी इसका। अभी सिलेंडर फिटिंग हो रहा है, सिलेंडर की जो है ये आपको दिखाता हूँ मैं, जस्ट सी दिस, यहाँ पे अभी सिलेंडर फिट हो रहा है। ये रबर ग्रिप मोल्डेड पाइप स्टैंड है एंड बोल्टेड विद TVS नाइलो लॉक नट बोल्ट।
एंड ये डक्टिंग की जो है ये तैयारी चल रहा है, ये आपका डक्टिंग का तैयारी चल रहा है, सुपर फिटिंग। ये पाइप बिल्कुल आपके जो है ना डक्ट पे पूरा फिट होगा। देन हियर वी कम, देयर इज़ अनदर स्विफ्ट। आज तो पता है, आज पूरा जो है स्विफ्ट डे है, आज का दिन जो है पूरा स्विफ्ट पे ही है, स्विफ्ट डिज़ायर इन्हीं का है। इसमें जो किट है दिस इज़ ऑल्सो BA6, ये 4 इंजेक्टर है। इससे पहले जो मैंने आपको एक लवेटो स्मार्ट 2 दिखाया मैंने स्विफ्ट में, डैट वॉज 8 इंजेक्टर, ये 4 इंजेक्टर है। इसके अंदर जो किट पास है लवेटो स्मार्ट 2, ये इसका ECM है। देखो एडवांसर सबका आप पैसे पाएंगे, एक बार सेटिंग के बाद मैं फिक्स करूँगा, अभी इसको रहने देते हैं। ये आपका जो है स्मार्ट 2 लवेटो मेड इन इटली। इसमें आपका ECM आता किट में, आपका फिलिंग वाल्व आता है, और यहाँ पे जो है लवेटो के अंदर आपको फिल्टर भी आता है, और ये रिड्यूसर भी है, और ये इंजेक्टर जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है। द होल थिंग कम्स फ्रॉम इटली। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा मैंने लगाया जो किट के अंदर नहीं आता, अभी ये फिटिंग हो ही रहा है, जो एक्स्ट्रा मैंने लगाया, एक तो मैंने इसके अंदर देखो ये 4 इंजेक्टर होने के कारण मैंने इसके अंदर कपलर टू कपलर वायरिंग किया, ये आपका कपलर टू कपलर ये तैयारी चल रहा है, ठीक है। दूसरा मैंने इसके अंदर काम किया, इसके अंदर कूलेंट कनेक्शन किया, ये कूलेंट कनेक्शन पाइप जा रहा है यहाँ पे। और तीसरा जो है इसके अंदर स्पाइरल ट्यूब में सारा स्लीविंग किया, लवेटो का गैस का फिल्टर आता ही है इसके अंदर, सारा स्पाइरल ट्यूब में किया है। और इसके अंदर जो है लास्ट आपका एडवांसर लगाया, ये एडवांसर किट में नहीं आता, और मोटोजैन का एडवांसर मारुति के लिए बेस्ट है स्टैटिक में। अब यहाँ आते, दिस इज़ अनदर स्विफ्ट। ये आपका जो है गाड़ी है, दिस इज़ BS4। इसके अंदर जो किट लगा रहा है मोटोजैन BS6, नॉट BS6, BS4। रिड्यूसर वही सेम है जो BS6 में आता है। ये आपका रिड्यूसर है डबल स्टेज, ये आपका फिलिंग वाल्व है, और ये आपका जो है इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है। अब इसके अंदर भी आपका ये देखो, ये सारा कपलर टू कपलर सारा वो काम करके देंगे। अभी ये कपलर टू कपलर ये सारा पड़ा हुआ है, सारा फिटिंग हो रहा है, सुपर फिटिंग डन। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे गाड़ी है जो है किया कैरेंस, दिस इज़ ऑन वेटिंग, अभी इसका काम शुरू करेंगे। ये गाड़ी है मेरा बहुत पसंदीदा गाड़ी है, दिस इज़ i20, दिस इज़ BS6, बट ये गाड़ी जो है 4 इंजेक्टर गाड़ी है, BS6 है। और इसमें जो किट पास है मोटोजैन BS6 Hyundai, इसके अंदर जो है मैं डायनेमिक एडवांसर लगा रहा हूँ ताकि इनको प्लेजर वही मिले जो पेट्रोल पे है, इवन बेटर देन पेट्रोल। इसके अंदर आपका जो है फिटिंग एक बार हो जाता है तो इसको मैं पूरा कवर करूँगा, मैं सुपर फिटिंग। और ये किया कैरेंस का काम अभी शुरू करूँगा मैं, दिस इज़ किया कैरेंस, इसका काम अभी एक बार फर्स्ट लॉट की गाड़ी निकलने दो, फिर इसको अंदर लेते हैं। एंड क्वालिटी विच कार एनर्जी इज़ गिविंग इन ईच एंड एवरी व्हीकल, पूरा दमखम से लगे हुए हैं, और पूरी गाड़ी टाइम लेते हैं, टाइम लगता है, एक दिन टाइम लगता है, 5-6 घंटे लगते हैं, लेकिन जो गाड़ी पकड़ते हैं उसके अंदर पूरी क्वालिटी जो उस गाड़ी के अंदर लगना चाहिए वो सब कुछ लगा के देते हैं। मज़ा आएगा काम करके, काम करा के, और एक बार सारी गाड़ियाँ ले चलते हैं, इसकी सेटिंग करते हैं, और एक बार कस्टमर से रिव्यू लेते हैं। चलो, थैंक यू।